हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे चावल। इसके लिए मैं 1.5 किलो जितने चावल लेके अच्छे से धो के इसको 2 से 3 बार 10 मिनट के लिए भिगा कर रखी हूँ। ये अच्छे से भीग चुके हैं, अभी हम बनाना शुरू करेंगे। अब हमेशा भिगा कर रखेंगे तो आपके चावल सॉफ्ट बनेंगे। पैन रख चुकी हूँ, पानी ऐड कर लेंगे। इधर मैं कम से कम 1 लीटर जितना पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें उबाल आने देंगे हम पानी में। पानी में उबाल आ चुका है, अभी इसमें हम ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लेंगे, जो जर्दा कलर होता है ना, वो 2 से 3 चुटकी ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो येलो फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद ये भीगे हुए चावल इसमें ऐड कर देंगे हम। चावल ऐड कर चुकी हूँ मैं इसमें, अब इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे इसको हम। 70% गल जाना है चावल। देखिए कम से कम 8 से 10 मिनट से पक रहे हैं ये। इस तरह से छू के देखेंगे तो आपको पता चलना है। देखिए बस इतना ही गलना है, एक कनी रह जाना है बस। 70 to 80% गला लेना है। अभी इसको हम एक छन्नी में निकाल लेंगे, स्ट्रेनर में छान के। देखिए एक छन्नी रख के हम इस तरह चावल छान के रख लेंगे। इस तरीके से छान के एक्स्ट्रा पानी सारा इसमें निकाल देंगे। दूसरा मैं एक पैन रख चुकी हूँ, थोड़ा हेवी बेस का पैन रख लेना है। इसमें कम से कम 3 स्पून जितना घी ऐड कर लेंगे। अब चावल कितना ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, घी और चीनी कितनी लेनी है करके। मैं इधर 3 से 4 स्पून घी ले रही हूँ। इसको गर्म हो चुका है, इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग, 4 इलायची ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें इसका फ्लेवर थोड़ा, इसमें इसका फ्लेवर सारा जाके इसमें थोड़ा भून जाने के बाद इसमें चीनी ऐड कर लेंगे हम। जिस नाप से हम चावल लिए थे ना, उसी नाप से उतने ही चीनी भी ऐड कर लेंगे। मैं 1.5 किलो जितनी चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले हम आधी चीनी ऐड कर देंगे, इसके बाद आधा चावल ऐड कर लेंगे। आधा चावल ऐड करने के बाद फिर से आधी चीनी ऐड कर लेंगे। मैं 1.5 किलो चावल ली थी तो 1.5 किलो चीनी ऐड कर रही हूँ। फिर से आधी चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से। अभी बचा है आधे चावल भी इसमें हम ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन ढक के हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इसको। देखिए दोस्तों, दूसरी साइड में एक पैन रख चुकी हूँ, इसमें 1-2 स्पून जितना घी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। घी को गरम होने देंगे। घी गरम होने के बाद हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर, घी गरम हो चुका है, इसमें 1 मुट्ठी भर काजू, 1 मुट्ठी भर बादाम कटे हुए ऐड कर देंगे हम। तो हम थोड़ा भून लेंगे जब तक ये हल्के ब्राउन ना हो जाए। ये हल्के ब्राउन हो गए हैं, इसमें 1 मुट्ठी भर किशमिश और सूखा नारियल खोपरा कटा हुआ इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा ये बादाम काजू भुनने के बाद इसको ऐड कीजिएगा, क्योंकि जल्दी भुन जाते हैं। इसको बस 1 सेकंड के लिए भून लेंगे हम। देखिए भून चुके हैं, अब इसको हम साइड में रख लेंगे। देखिए ये कम से कम 3 से 4 मिनट इसको मैं मीडियम फ्लेम में पका चुकी हूँ। देख सकते हैं कि चाशनी चीनी पिघल के किस तरह से चाशनी बन गई है करके। इसको अच्छे से इस तरह से एक बार मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे हम। 1 पाव स्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। रोज एसेंस, रोज वाटर बोलते हैं ना, वो 2 स्पून ऐड कर रही हूँ इसमें। आपको पसंद होगा तो ऐड कीजिए, बिना इसके भी बना सकते हो। अभी भुने हुए काजू बादाम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे हम, थोड़ा गार्निश के लिए रख लेंगे। इसी के साथ थोड़ा घी भी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा मावा ऐड कर लेंगे हम। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे हम। मिक्स करके इसको लो फ्लेम में कम से कम 6 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे दम होने के लिए। फ्लेम को लो रख लीजिएगा कि दोस्तों कम से कम 8 से 10 मिनट हो गया है इसको ढक के। बीच बीच में 1 से 2 बार चेक करी थी मैं, देख सकते होंगे पानी सारा सूख गया है। अब ये बन के तैयार है, अभी हम इसको सर्व कर लेंगे।
ओके दोस्तों, मैं सर्व कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।